नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वजन कम करने के लिए कितना पानी पीना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने आप को फिट और स्लिम बनाना चाहता है और बहुत कम समय में वजन घटाना चाहता है, लेकिन इस दौरान आपके मन में तरह तरह की संदेह बनी रहती है, जैसे कि क्या खाएं क्या न खाएं वगैरह। और उन्हीं में से एक सबसे बड़ी शंका ये होती है कि वजन कम करने के लिए कितना पानी आपको पीना चाहिए। एक्सरसाइज और पोषण, ये दो सबसे अहम बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाला वेट लॉस प्लान आधारित होता है। भले ही आप एक अच्छा फिटनेस रूटीन फॉलो करते हो, जिसमें कि फैट बर्न करने के लिए हर हफ्ते पर्याप्त एक्सरसाइज शामिल हो और साथ ही में संतुलित आहार का भी सेवन कर रहे हो, जिसमें कि फाइबर से भरपूर आहार हो, जैसे कि फल सब्जियाँ सूखे मेवे और बीज वगैरह शामिल हो, लेकिन एक पोषक तत्व जिसके बिना आपका वजन घटाने का प्लान असफल हो जाएगा, और वो होता है दोस्तों पानी। तो इस तथ्य को तो हम सभी जानते हैं कि इंसान के शरीर का 60% हिस्सा पानी से बना होता है, और इसीलिए पानी हमारे जीवन के लिए सबसे अहम पोषक तत्व होता है। पानी से जुड़ा सबसे गुणकारी तथ्य ये है कि वेट लॉस के लिए जिन फलों और सब्जियों को सबसे अच्छा माना जाता है, उन सभी में पानी होता है, और वे हमारे शरीर की रोजाना की पानी की जरूरतों के 20-30% हिस्से को पूरा करते हैं। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी ना हो। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना, खासकर पानी का, बेहद जरूरी और फायदेमंद है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कौन सा है और दुनिया के किस हिस्से में आप रहते हैं, लेकिन वेट लॉस या वजन घटाने का पानी पीने के साथ क्या संबंध है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि क्या पानी पीने से पेट की चर्बी घट सकती है। दोस्तों, कई स्टडी में यह संकेत दिया गया है कि पानी पीने के कई फायदे हैं और वजन घटाना इनमें से एक है। साल 2011 में ओबेसिटी नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई एक स्टडी में बताया गया है कि पानी पीने के साथ ही हाइपोकैलोरिक डाइट, यानी कि जिसे कि हम लो कैलोरी डाइट भी कहते हैं, उनका सेवन करने से वजन घटाने और मोटापा की दर को कम करने में मदद मिल सकती है, खासकर बुजुर्गों में जिनके लिए वजन घटाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस स्टडी में 12 हफ्ते के पीरियड के लिए दो समूह के लोगों का परीक्षण किया गया, और इनमें से एक समूह को लो कैलोरी डाइट दी गई और साथ ही उनके पानी के इंटेक को बढ़ाया गया, और दूसरे समूह को सिर्फ लो कैलोरी डाइट दी गई। और इस दौरान अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि जिस समूह ने अधिक पानी का सेवन किया, उसने अधिक वेट लॉस किया उस समूह की तुलना में जिसने कम पानी पिया। तो इस समूह ने अधिक वजन घटाया। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिक पानी पीने से कैलोरी के सेवन में कमी देखने को मिली, मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हुआ, और जिससे कि फैट को बर्न करने में मदद मिली। साल 2017 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में प्रकाशित एक दूसरी स्टडी में बताया गया है कि जिन प्रतिभागियों ने डाइट ड्रिंक और अन्य पेय पदार्थों की जगह 12 महीने तक सिर्फ सादे पानी का सेवन किया, उन्हें न सिर्फ वेट को मैनेज करने में मदद मिली बल्कि पेट के आसपास मौजूद चर्बी को भी घटाना आसान हो गया, और साथ ही इनकी इंसुलिन संवेदनशीलता भी बेहतर हो गई और कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी कमी आ गई। और इससे यह पता चलता है कि अधिक पानी पीने से न सिर्फ फैट बर्न करने में मदद मिलती है बल्कि उन कारकों को भी व्यवस्थित करने में मदद मिलती है जो कि पेट की चर्बी को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि क्या शरीर में पानी की कमी होने से वजन बढ़ता है। दोस्तों, एक तरफ जहां अधिक पानी का सेवन करने से वजन घटाने में मदद मिलती है और अधिकतर डायटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट वेट लॉस टूल के तौर पर पानी पीने का सुझाव देते हैं, लेकिन हाइड्रेशन यानी कि जल योजन और वजन की स्थिति के बीच स्पष्ट रिलेशन क्या है, इसे अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। कुछ स्टडी में यह सुझाव दिया गया है कि डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, भले ही वह हल्का ही क्यों ना हो, उसकी वजह से सिरदर्द, खराब पाचन, कब्ज, सुस्ती, मांसपेशियों में ऐंठन, रूखी त्वचा और जोड़ों में सूजन की दिक्कत हो सकती है, और ये सारी समस्याएं शरीर को इस तरह से प्रभावित कर सकती है जिस कारण वेट गेन यानी कि वजन बढ़ता है। क्योंकि पानी जो है शरीर की सभी क्रियाओं के लिए बेहद जरूरी, और इसीलिए इसकी कमी या अपर्याप्त मात्रा के कारण सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है, जिसमें कि वजन बढ़ना भी शामिल होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि पानी पीना जो है वो कैसे वजन कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, लंबे समय से ये बात प्रचलित है कि पानी जो है वजन घटाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर 30-59% अमेरिकी वयस्क वजन कम करने के लिए अधिक से अधिक पानी पीना शुरू किया। इसके अलावा ऐसे कई स्टडी बताते हैं कि पानी जो है वो वजन कम करने में और वजन को स्थायी बनाए रखने में मदद करता है। तो
आइए जानते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो वजन कम करने में मदद करता है। सबसे पहले तो दोस्तों, पानी जो है वो अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। अधिक पानी पीने से आपके शरीर में अधिक मात्रा में कैलोरी बर्न होती है, जिसे कि हम स्थैतिक ऊर्जा व्यय यानी कि रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर के रूप में जाना जाता है। पानी पीने से वयस्कों में स्थैतिक ऊर्जा व्यय जो है वो 10 मिनट के अंदर 24-30% तक बढ़ जाती है और इसका असर कम से कम 60 मिनट तक बना रहता है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि भोजन करने से पहले पानी पीना जो है वो भूख को कम करता है। कुछ लोगों का दावा है कि भोजन से पहले पानी पीने से भूख कम हो जाती है, लेकिन इसका असर विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग के लोगों और वयस्कों पर ज़्यादा प्रभावी है। वयस्कों पर हुए एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने भोजन से पहले पानी पिया, उन लोगों ने 12 हफ्ते में 2 किलो वजन घटाया। साथ ही साथ दोस्तों, पर्याप्त पानी पीने से वजन नहीं बढ़ता है। पानी में कैलोरी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, और इसका मतलब कि यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो अधिक कैलोरी की मात्रा ग्रहण करने से बच जाते हैं, और जिससे कि वजन बढ़ने का जोखिम नहीं होता है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि पानी के अलावा अन्य पेय पदार्थों में कैलोरी और चीनी की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि पानी जो है वो संतृप्ति को बढ़ाता है कैसे। दोस्तों, पानी पीने से, खासकर भोजन करने से 10-15 मिनट पहले पीने से, न सिर्फ संतृप्ति या संतुष्टि बेहतर होती है, बल्कि लंबे समय तक आपका पेट भी भरा हुआ महसूस होता है। इससे अतिरिक्त भूख, ज़्यादा भोजन करने की प्रवृत्ति और कुछ खाने की तीव्र इच्छा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे कि आप कम समय में जल्दी वजन घटा सकते हैं। रिसर्च में भी यह बताया गया है कि ऐसे कई मौके हैं जब लोग सच में प्यासे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग प्यास को भूख से कंफ्यूज हो जाता है और इसीलिए वे पानी पीने के बजाय कुछ खाने की गलती कर देते हैं। और इसीलिए अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो ब्रेन से इस तरह का मिला जुला सिग्नल मिलने की आशंका नहीं रहती, और इससे प्राकृतिक रूप से आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक में कमी आती है, और खासकर जंक फूड और हाई कैलोरी ड्रिंक्स के मामले में। दोस्तों, हम जानेंगे कि पानी जो है वो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, तो कैसे करता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो ओवरवेट होते हैं उन्हें जल्दी कैलोरी बर्न करने में मुश्किल आती है। स्टडी में यह सुझाव दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलती है, भले ही आप आराम करने की स्थिति में क्यों ना हो। रिसर्च में भी यह बात सामने आई है कि पानी पीने से कार्बोहाइड्रेट और फैट को भी जल्दी बर्न करने में मदद मिलती है। फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन नाम के जर्नल में साल 2016 में प्रकाशित स्टडी में बताया गया है कि पानी पीने की मात्रा को बढ़ाने से शरीर में दो अहम मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है। एक होता है हाइड्रोलाइसिस और दूसरा होता है लिपोलाइसिस। ये क्रियाएं न सिर्फ सभी तरह के भोजन को तोड़कर ऊर्जा में बदलने में मदद करती है, बल्कि लिपिड और फैट को भी तोड़ती है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि पानी जो है वो शरीर की अंदर से सफाई करता है, मतलब कि डिटॉक्स करता है बॉडी को। वो कैसे करता है? तो जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता तो शरीर में विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और इन टॉक्सिन्स की वजह से वजन बढ़ता है, मोटापे की समस्या होती है, इन्फ्लेमेशन और कई और क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। पानी पीकर शरीर को जल योजित रखने से न सिर्फ इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है, बल्कि इन टॉक्सिन्स के शरीर में जमा रहने की वजह से पेट फूलने और सूजन की जो दिक्कत होती है उससे भी छुटकारा मिलता है। आपने ग्रीन टी, ब्लैक टी और एक्टिवेटेड चारकोल ड्रिंक जैसे डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में जरूर सुना होगा, जो शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि पानी सबसे बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक होता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब दोस्तों, हम जानेंगे कि पानी जो है वो एक्सरसाइज की क्षमता को कैसे बढ़ाता है। तो मांसपेशियों के कार्यों के लिए पानी बेहद ज़रूरी, और इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मांसपेशियों, संयोजी ऊतकों और जोड़ों की मदद होती है और वे सही तरीके से काम करते हैं। पानी पीने से मांसपेशियों में ऐंठन और थकान को दूर करने में मदद मिलती है। बहुत से लोग जो वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वे लंबे समय तक वर्कआउट रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते। लिहाजा दिन भर में पर्याप्त पानी पीना बेहद ज़रूरी है, खासकर किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करने से पहले और बाद में। ऐसा करने से आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता बेहतर होती है, जो कि दीर्घकालिक वेट लॉस के लिए जरूरी है। और अब दोस्तों, बात आती है कि वजन कम करने के लिए रोज़ाना आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो आम तौर से ये कहा जाता है कि रोज़ाना 2 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार कुछ लोगों के लिए ये संख्या प्रतिदिन 5 लीटर भी हो सकती है। और ये निर्भर करता है कि आपके फिटनेस का स्तर कैसा है, शरीर का प्रकार और आकार कैसा है, आप कैसा आहार लेते हो और आप कितनी नींद लेते हो। यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ व्यायाम भी कर रहे होंगे, चाहे रोज़ सुबह सैर पर जाना ही क्यों ना हो। और इसीलिए
कसरत के बाद और कसरत से पहले आपके शरीर में पानी की मात्रा बराबर बनी रहे, इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें। अगर व्यायाम के बाद आपके शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है तो आपको सिर दर्द और चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब वर्कआउट के दौरान भी जरूर पानी पीना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि जूस, कॉफ़ी, चाय लेने से भी शरीर में पानी की मात्रा में वृद्धि होती है, और यहाँ तक कि खीरा, टमाटर, आड़ू, तरबूज जैसी फल और सब्जियाँ खाने से भी शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है। अब दोस्तों जानते हैं हम कि वज़न कम करने के लिए पानी की मात्रा का हिसाब लगाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों याद रखें कि अपने वज़न का ध्यान रखें, जितना आपका वज़न हो उसके अनुसार पानी पिए। जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है कि आपका जो वज़न है उसको आपको किलो में लिखना है, उसके बाद आपको उसको 2.2 से उसका गुणा करना है, और उसके बाद आपको 50 से भागाकार करना है यानी कि डिवाइड कर देना है। तो वो जो आपको मात्रा मिलेगी वो एक दिन में आपकी पानी की ज़रूरत होगी लीटर में। और अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपको जो यहाँ पर निकाली गई पानी की मात्रा है उससे आपको अधिक पानी पीना होगा अगर आप व्यायाम करते हैं तो। जैसे कि हर आधे घंटे के व्यायाम के लिए जो संख्या आती है उस संख्या में आपको 0.35 लीटर पानी को और जोड़ देना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि आपका वज़न 100 किलो है और आप रोज़ 1 घंटा व्यायाम करते हैं तो आपको एक दिन में 5.1 लीटर पानी पीना चाहिए। कैसे? आपका जो वज़न है 100 किलो उसको आपको 2.2 से गुणा करना है और उसके बाद आपको उसे 50 से डिवाइड करना है, और आप 1 घंटा व्यायाम करते हो तो आपको उसमें 0.7 जो है इतना लीटर आपको पानी और जोड़ देना है। मतलब कि आपको दिन में 5.1 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि पानी पीने की कुछ टिप्स की बात करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको प्यास न लगी हो तब भी पानी पिए, लेकिन जब आपको प्यास लगती है इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग तक इस बात का संदेश पहुंच चुका है कि आपको पानी की ज़रूरत है, और इसीलिए पूरे दिन के दौरान थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो पीते रहें। और इसके लिए आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तब आपको अधिक पानी की ज़रूरत होती है, और इस बात का ध्यान रखें कि वर्कआउट के दौरान अधिक पानी न पिए, बल्कि गले को गीला भर करने के लिए 1 सीप आपको पानी पीना चाहिए। और यदि आपको सादा पानी पीने में अच्छा नहीं लगता है तो पानी में नींबू, पुदीना या फिर खट्टे फल जो है वो स्वाद के लिए आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।